Next, we are going to start VI characteristics of PN junction diode. What does that mean? VI characteristics. VI characteristics is a graph between voltage and current for the PN junction diode. अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और शायद रह गई थी. The symbol of PN junction diode. इसको बनाते कैसे? Symbol of PN junction diode. So, what is the symbol? तो पीएन जंक्शन के लिए जो जनरल ब्लॉक डायग्राम होता है वो तो ऐसा होता है. ये इसके अंदर एक जंक्शन बना देते थे, फिर एक इसके अंदर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट कर देते थे. ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पी टाइप होता है और यहाँ से यहाँ तक का एन टाइप होता है. और जहाँ भी पीएन की बाउंड्री है वो कहलाता है पीएन जंक्शन. ये तो है इसका ब्लॉक डायग्राम. इसका जो सिंबल डायग्राम है वो होता है ऐसा. ठीक है, तो जो एरो वाला हिस्सा है वो कहलाता है पी टाइप और ये जो सीधा डंडा है वो कहलाता है एन टाइप. तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? पीएन जंक्शन डायोड या पीएन डायोड. ठीक है, या सिंपली बाय डिफॉल्ट डायोड का मतलब पीएन जंक्शन डायोड. डायोड दो चीजों से मिलकर के बना होगा, पी टाइप एन टाइप. तो पीएन जंक्शन डायोड या सिंपली डायोड. अच्छा, एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग जब पढ़ते हो और हालांकि जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो यूज में आ ही जाता है, फिर भी कभी कंफ्यूजन हो जाए लाइफ में कि पीएन में ये पी है या ये एन है, या ये एन है ये पी है, या ये पी है या ये एन है. ठीक है, तो ये जब कंफ्यूजन हो जाता है तो उससे बचने का तरीका देखो इधर. ये क्या बन गया? पी. ठीक है, और इस सीधे डंडे से एन ही बन सकता है. एन पी एन, पहले पी लिखते हैं फिर ही एन आता है, बस हो गया खत्म. ये पीएन जंक्शन का सिंबल. ठीक है, वैसे तो कंफ्यूजन होगा नहीं आप लोगों को, फिर भी अगर हो जाए इन केस तो तरीका मैंने आपको बता दिया. तो सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड समझ में आ गया सभी लोगों को. VI characteristics of PN junction diode का मीनिंग है कि हम एक वोल्टेज करंट ग्राफ बनाएंगे. किस किस में बनाएंगे? दो चीजों में बनाएंगे, एक फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक के लिए और एक रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक के लिए. और फिर उन दोनों को हम क्या कर देंगे? क्लब कर देंगे, कंबाइन कर देंगे. तो एक सिंगल VI characteristics ग्राफ आ जाएगा फॉर बोथ कंबाइंड बायसिंग. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के लिए. सो फर्स्ट फॉर फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, है ना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉरवर्ड बायसिंग फॉर पीएन ऑफ पीएन जंक्शन. तो ये हमने लिया, एक एक्सिस पे लेना है हमें करंट और एक एक्सिस पे लेना है वोल्टेज. इन जनरल वीआई के अंदर, वैसे आप वी उस पे भी लिख सकते हो, आई इस पे भी लिख सकते हो, तो लेकिन जो मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स के अंदर रहता है वो आई ऊपर रहता है वी नीचे रहता है, तो उसको कन्वीनियंट हो जाता है कि कहीं से भी आप पढ़ेंगे तो फिर आपको सेम चीज पढ़ने में आती है. ठीक है, बना कहीं पे भी सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, बस वेरिएशन फिर उसी के हिसाब से करना होता है. ये हमने दे दिया जीरो वोल्ट, ठीक, यहाँ पे दे दिया हमने वन वोल्ट, यहाँ दे दिया टू वोल्ट, यहाँ दे दिया थ्री वोल्ट. फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर जल्दी से फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है जल्दी बताइए. फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस. ठीक है, ऑलराइट. उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द फॉरवर्ड बायस, फॉर इन रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बायस इंक्रीजेस डिक्रीजेस? डिक्रीजेस. ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस हो गया फॉरवर्ड बायस. जनरली व्हाट इज द potential at which the depletion width will be disappear for silicon? General voltage at which the depletion layer will be disappear, जहाँ पर depletion width खत्म हो जाएगी, वो voltage कितना होता है SI के लिए, silicon के लिए? बताया था मैंने previous class में 0.7 volt. कितना होता है? 0.7 volt. और ठीक है, for germanium what is the पोटेंशियल, व्हाट इज द वोल्टेज? 0.3
थ्री बहुत दिमाग, मैंने बताया था तुमको ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी, आराम से कनेक्शन बन जाता है, है ना, कम एनर्जी चाहिए 0.3 वोल्ट, तो 0.3 वोल्ट पर वो बहुत इजीली कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है ना, बहुत सी जगह 2.5 लिखा हुआ हो जाए, 0.2 हो जाए, वो आसपास की रेंज है 0.2 वोल्ट 0.3 वोल्ट। इस पर ये बहुत सी चीजें किस पर भी डिपेंड करती है, डोपिंग कंसंट्रेशन पर, ठीक। तो 0.2 से 0.3, तो इन जनरल आपको याद रखना है 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकन, ठीक है। इसीलिए जो मैंने गैप्स लिखे हैं वोल्टेज के, वो देखिए 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट सफिशियंट है, क्योंकि जो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज में लेने वाले हैं वो सिलिकन या जर्मेनियम का बना हुआ होगा, और उन दोनों के लिए ही कंडक्शन कब स्टार्ट हो जाएगा, जिस टाइम डिप्लीशन विड्थ गायब हो जाएगी, और डिप्लीशन विड्थ कितने पे गायब हो जाएगी, मैक्सिमम 0.7 वोल्ट पर। तो हमें 0 से 1 के बीच में इसलिए हमने लार्ज गैप ले रखे, तो ये यहां तक काम भी नहीं आएगा ज्यादा। अब देखिए यहां पे होगा क्या, अच्छा करंट जो जनरेट होती है ये किस में होती है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर या एम्पियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मिली एम्पियर ध्यान रखना है, किसमें, मिली एम्पियर में। सो इन फॉरवर्ड बायस मिली एम्पियर, ठीक। सो यहां पर मिली एम्पियर को लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब हमने क्या किया, ध्यान देखना इस ये वाला कहानी चल रही है हमारे पास, ये हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड है, ये इसका जंक्शन है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, और जब अनबायस था तो उसके पास ये डिप्लीशन विड्थ चल रही थी, ये डिप्लीशन विड्थ या डिप्लीशन रीजन चल रहा था, जहां पर क्या प्रेजेंट थे, इमोबाइल आयंस। तो इधर है नेगेटिव इमोबाइल आयंस, इधर है पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, और इधर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, और इधर इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली सिचुएशन चल रही थी अनबायसिंग के टाइम। जैसे ही मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से ये कनेक्ट कर दिया, ये हो गई इसकी फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। इसका सर्किट सिंबल डायग्राम बनाए, तो सिंबल अभी मैंने बताया ये, तो डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिए, ये बन गया ये सिंपलेस्ट डायग्राम। फिर इसमें छोटे मोटे नाटक कर देते हैं सर्किट को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाया जाता है, प्रॉपर डायग्राम। अब जैसे इसमें क्या नाटक करने हैं, हमें रेजिस्टेंस लगा दो, प्राइमरी सर्किट बना रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस को लगा दो, कहाँ लगाएंगे, कहीं पे भी लगा दो सीरीज में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा दो साहब, कोई कह सर इधर लगा दो, इधर लगा दो, कोई टेंशन नहीं, यहाँ लगाऊँ यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत एट ऑल, ठीक। अच्छा तो और चलो यहाँ लगा देता हूँ, वहाँ दूसरी चीज लगा दूंगा, ये लो यहाँ लगा देते हैं ये रेजिस्टेंस, और ये प्लस माइनस, ये वी वोल्टेज, वी वोल्टेज की बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इसको मैंने कर दिया वेरिएबल, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये होता है ऐसे करके आर एच रियोस्टेट, ठीक है, पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट, क्या काम है इसका, रेजिस्टेंस को वेरी करवाना, जिसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं इसमें फ्लो होने वाली करंट को या इसके वोल्टेज को, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे क्योंकि पता करनी है कि करंट फ्लो हो रही है, तो कितनी करंट फ्लो होगी, तो उसको किससे मेजर करेंगे, अमीटर से। करंट डिवाइस कौन होता है, अमीटर। सो हमने एक मिली अमीटर, मिली वाला है तो मिली एम्पियर में यूज करना है, तो एक मिली अमीटर लगा दिया, सिंबल इसका होता है ए, तो हमने लगा दिया एक ए, ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा, चाहो तो ये एम ए लिख दो। हमेशा अमीटर किस में लगता है, सीरीज में, सर्किट के सीरीज में। इसका कौन सा, ये मैंने कैसे लिख दिया पॉजिटिव, यहां से देखना होता है, ये जो वायर चल रहा है ये चलते 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 बीच में कुछ भी आ जाए डजंट मैटर, ये पॉजिटिव से चला, जो हिस्सा चलते 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 पहली बार मिलीमीटर पे पहुंचा वो कौन सा टर्मिनल कहलाएगा, पॉजिटिव। फिर उसके बाद जो हिस्सा इधर से नेगेटिव चलता हुआ वहां पहुंचेगा वो नेगेटिव, ठीक।
तो ऐसे लगाते हम अमीटर। फिर किसी को मेजर करना हो कि सर अगर इसमें से कुछ करंट फ्लो होगी डायोड में से, जैसे इसके अंदर डिप्लीशन विड्थ धीरे धीरे जैसे फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे क्या होना चालू हो जाएगी, रिड्यूस होना चालू हो जाएगी, एक पॉइंट के बाद डिसअपीयर होगी और कंडक्शन बहुत अच्छा से होना चालू हो जाएगा, करंट बहुत अच्छे से फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होगी तो इसका खुद का भी तो रेजिस्टेंस होगा और अभी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जब तक गायब नहीं हुई। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इसमें से करंट फ्लो हुई, इसका रेजिस्टेंस को अगर मैं आरडी बोल दूं, आरडी बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, तो इसमें से जब करंट फ्लो होगी आई करंट, तो इस पीएन जंक्शन के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा वीडी, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। तो उसको मैं मेजर कैसे करूंगा, वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में कहां लगाते हैं, जहां भी मेजर करना होता है दोनों एंड्स के पैरेलल में, ठीक है। तो वोल्टमीटर कनेक्शन देना है तो कैसे दे दें, ये दो टर्मिनल्स के अक्रॉस चाहिए, जहां भी जिनके भी बीच में आपको वोल्टेज मेजर करना है उन दोनों एंड्स के बीच में क्या लगा दो, एक वोल्टमीटर, और आपका ये सर्किट कंप्लीट हो गया, कुछ भी रटना नहीं है आप। तो ये देखो ये सर्किट बन गया आपका बिना रटे, ठीक। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कैसे, मैंने धीरे धीरे यहां पर वोल्टेज बढ़ाया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, कम होगी। डिप्लीशन विड्थ कम होते ही होल्स, पहले जिसके पास एनर्जी कम चल रही थी वो बैरियर पोटेंशियल कम होते ही अब एक होल के पहुंचने की फैसिलिटी हो चुकी होगी, सारे नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन ये फर्स्ट आकर के डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन करंट या मेन करंट ऑफ द सर्किट विल बी स्टार्ट टू फ्लो। तो इसका मतलब, लेकिन अभी वो बहुत कम है क्योंकि एक दो होल ही पहुंच पा रहे हैं, तो अभी बहुत धीरे 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 पहुंचेंगे। मान लीजिए यहां पर है 0.7 वोल्ट, ये 1 और इस जगह पे लिख देता हूं 0.7, मैं एसआई की बात कर रहा हूं अभी। तो जैसे जैसे अब मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा, यहाँ पे एक नॉब होती है जिसके थ्रू हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं वोल्टेज को क्या कर रहा हूँ, रेगुलेट कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अभी मैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे करते करते मैं कहां पहुंच जाऊंगा, 0.7। वहां तक अभी ये करंट फ्लो तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है। बहुत कम हो क्यों हो रही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे एक डिप्लीशन विड्थ का रीजन बना हुआ है, और डिप्लीशन विड्थ सिंप्लीफाइज या अप्लाइज या क्या चीज बताती है, सिग्निफाइज व्हाट, रेजिस्टेंस। जब तक है डिप्लीशन विड्थ इसका मतलब तब तक है रेजिस्टेंस, जैसे जैसे अब ये डिप्लीशन विड्थ खत्म होती जा रही है इसका रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम हो रहा है इसकी करंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैं जैसे ही 0.7 वोल्ट पे आया बताओ क्या हो जाएगा, 0.7 वोल्ट पर क्या हो जाएगा भाई, डिसअपीयर। तो सिर्फ क्या प्योर पीएन जंक्शन बन जाएगा, यस सर, ये प्योर पीएन जंक्शन हमने फॉर्म कर लिया। अब प्योर पीएन जंक्शन बन गया, उस टाइम पर आरडी ऑलमोस्ट कितना हो चुका है, जीरो, नेग्लिजिबल। तो जैसे ही नेग्लिजिबल हुआ अब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो सिर्फ इनके कोलिजन के कारण आने वाला है, लेकिन वो कोलिजन्स के कंपैरिजन में इनका फ्लो बहुत ज्यादा इतना डोमिनेटिंग है कि वो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या कहलाएगा, नेग्लिजिबल। यानी कि अभी फॉरवर्ड बायस के टाइम पर ऑलमोस्ट ये किसकी तरह काम कर रहा है, मेटल की तरह, जैसे मेटल में बहुत इजीली कंडक्शन होता है वैसे ही। तो अब क्या होना चालू हो जाएगा, 0.7 पे जैसे ही मैं 0.8 पे पहुंचा करंट अचानक से बढ़ गई, फिर मैंने 1 वोल्ट किया और करंट बढ़ गई, फिर 1 से 1.2 किया, तो ये बढ़ते बढ़ते ये एकदम ऐसे शार्प तेजी से एकदम से बढ़ेगी, ठीक है। 0.7 वोल्ट से इधर तक पहले करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, 0.7 वोल्ट वो वोल्टेज जहां पर डिप्लीशन विड्थ खत्म हो गई, अब यहां रेजिस्टेंस देने वाला कोई नहीं मिला, उसके बाद जैसे ही मैंने फर्दर वोल्टेज इंक्रीज किया ये क्या हो गई, बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट का बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये इसका करंट का वैल्यू आ गया। कहीं पे भी अगर मुझे करंट और वोल्टेज से रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करते हैं, हमें पता है वी इज़ इक्वल्स टू होता है आईआर, तो आर इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। जब भी ग्राफ दे हुआ होता है ग्राफ से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है, एक स्लोप और एक एरिया।
स्लोप हमेशा बताते हैं y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी. स्लोप ऑफ एनी ग्राफ मींस y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. अगर मैं इस IV ग्राफ का स्लोप पूछूं, व्हाट डज इट सिग्निफाइज स्लोप ऑफ आई बाय वी. ठीक है, आई बाय वी या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी. सिंपली चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन पोटेंशियल. क्या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी आर होता है क्या? नो सर. क्या होता है? वन अपॉन आर. है ना, वी अपॉन आई होता है आर. तो इसका मतलब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं आई अपॉन वी तो बन गया वन अपॉन आर. इसका मतलब मुझे रेजिस्टेंस चाहिए. रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या निकालना है? ये स्लोप हुई. तो अब जो स्लोप मिल रही है उसको मैं क्या कर दूं? उल्टा कर दूं. तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा? R इज इक्वल टू वन अपॉन स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ. तो जो भी स्लोप निकली उसका आप रेसिप्रोकल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस. बताइए मुझे, क्या ये रेजिस्टेंस हर जगह सेम होगा कि वेरी कर रहा होगा? वेरी कर रहा है. वेरी. डिप्लीशन वेट तो शुरू में ज्यादा थी, फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. रेजिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है? इस रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, है ना, आरडी. तो ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है. रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. फिर इसके बाद ऑलमोस्ट थोड़ा ये कॉन्स्टेंट जैसा शो होगा. इसका मतलब ये रीजन, इसको अब मैं पॉइंट दे रहा हूं ओ ए, है ना, यहां कुछ दे देता हूं बी सी. सो ओ ए रीजन इज दैट रीजन इन विच वोल्टेज एंड करंट डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ. लीनियर ग्राफ नहीं है, रेजिस्टेंस था, फिक्स नहीं है, बिकॉज वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. ये कॉन्स्टेंट होता है किसमें? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. लीनियर ग्राफ आना चाहिए, वो लीनियर नहीं है ओ ए रीजन में. सो दिस इज नॉट द लीनियर ग्राफ. सो ओ ए रीजन, इन ओ ए रीजन द ग्राफ विल नॉट ओबे ओम्स लॉ. After A to B, graph is about to be linear and B to C is almost linear. अभी भी linear नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अब ये almost क्या हो चुका होगा? Fix. क्योंकि अब इसमें क्या होगा, आपने एक बार अब 2 volt कर दिया, तो इस चीज को समझिएगा. इसमें इधर है कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. इसमें 15 holes इधर हैं और 15 electrons इधर हैं. तो अभी क्या कर रहे थे हम? 0.7 वोल्ट पे कंडक्शन, मतलब डिप्लीशन विड्थ खत्म हो गई. मैंने 1 वोल्ट किया तो इसमें से मैक्सिमम होल्स और सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जाना चालू हो गए. 2 वोल्ट किया तो उनकी स्पीड बढ़ गई. 3 वोल्ट पर सबके सब या 2.1 वोल्ट पर सबके सब मैक्सिमम स्पीड अक्वायर कर चुके हैं. ठीक, जो बॉन्ड ब्रेक होने थे वो भी बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं. तो 2.2 वोल्ट और 2.3 वोल्ट और 2.4 वोल्ट, इस पर क्या होगा? स्पीड सबकी कांस्टेंट है, तो क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है. तब हम वोल्टेज कितना भी बढ़ाएं, कितना भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाएंगे, वरना क्या होता है? डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं. तो हम फिर भी इन जनरल अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट विल बी फ्लोइंग. ठीक है, उसको जनरली बुक्स में लिख दिया जाता है कि आफ्टर दिस रीजन, आफ्टर दिस ओए, द ग्राफ जनरली ओबेज ओम्स लॉ. ठीक है, इट इज, इट शोज ऑलमोस्ट लीनियर, नॉट एग्जैक्टली. ठीक, एंड दैट्स व्हाई अभी ये एग्जैक्टली लीनियर नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, व्हाटएवर रेजिस्टेंस यू वांट टू फाइंड आउट, इट वुड बी कॉल्ड एज डायनेमिक रेजिस्टेंस. तो जो हम स्लोप से निकालते हैं वो कौन सा रेजिस्टेंस कहलाता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस. और वो डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन पोटेंशियल. तो मैंने क्या किया, बी और सी के बीच में कोई सा पॉइंट लिया कि भाई यहां निकालना है, तो इस पॉइंट के इधर और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. तो यहां की वैल्यू और ये वैल्यू, तो ये तो बता रहा है आपको डेल्टा आई, ये बता रहा है आपको डेल्टा वी, और इनका रेशियो आपको क्या बता रहा है? बी से पी रीजन तक का रेजिस्टेंस. तो आप जितना कम पॉइंट्स लोगे उतना पास का एक्यूरेट रेजिस्टेंस आएगा. अदरवाइज ये क्या हो रहा है? बी से सी तक वेरी कर रहा है, तो ये आपको एवरेज रेजिस्टेंस बता देगा कि हाँ भाई इन जनरल इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इतना चल रहा है. हर एक रीजन के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आता जाएगा. ठीक है, सो दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस. एसी रेजिस्टेंस क्यों बोल दिया जाता है? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है. ठीक है,
डीसी बोल देते, डीसी बोले या सिंपली केवल रेजिस्टेंस बोले, उसका मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस फॉर ए पर्टिकुलर मटीरियल। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है, ठीक है, इस वजह से हम क्या बोल देते हैं इसको, एसी रेजिस्टेंस। एसी का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है, बस इसलिए, ठीक है। बैटरी हमने एसी नहीं लगाई है, रेजिस्टेंस में चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इसको एसी रेजिस्टेंस बोला है, ठीक है। ये इसकी हो गई वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉरवर्ड बायसिंग। कितनों को ये पूरी फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई? अब इस पूरी फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द रीजन ओए इज कॉल्ड, या ए पर जो 0.7 वोल्ट, द वोल्टेज एट विच द डिप्लीशन विड्थ वुड बी डिसअपीयरिंग एंड द पीएन जंक्शन डायोड विल स्टार्ट टू कंडक्ट इजीली और इस रेजिस्टेंस विल बिकम नेग्लिजिबल एट पर्टिकुलर वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज और थ्रीशोल्ड वोल्टेज। सो दिस 0.7, ये मैंने एसआई के लिए बोला है, इन जनरल अलग अलग मटीरियल के लिए वैल्यू अलग अलग होगी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कट इन वोल्टेज और थ्रीशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। सो बहुत सी बार वन मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज कट इन वोल्टेज और व्हाट इज थ्रीशोल्ड वोल्टेज फॉर पीएन जंक्शन डायोड। सो कट इन वोल्टेज और थ्रीशोल्ड वोल्टेज इज दैट मिनिमम वोल्टेज अबव विच द पीएन जंक्शन विल स्टार्ट टू कंडक्ट एंड इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम मिनिमम। ए पॉइंट पर आने के बाद ही वो प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है कंडक्ट करना, उसको बोलते हैं हम क्या, कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये थी हमारी फॉरवर्ड बायसिंग की। अब इसके लिए हम करते हैं क्या, रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक। मैं यहां पे नीचे कर रहा हूं इसके लिए, ये डायग्राम यहीं का यहीं रहने देता हूं। तो रिवर्स बायसिंग के लिए ग्राफ बना रहे हैं साहब हम, ये मैंने ले लिया V, यहां पे ले लिया I, ठीक है। और इसको रिवर्स बायस करने के लिए क्या करते हैं, P को किससे कनेक्ट कर देते हैं, N से। अभी अनबायस है तो अनबायस का मतलब पहले से डिप्लीशन विड्थ चल रही है, इमोबाइल आयंस चल रहे हैं साहब, माइनस 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 माइनस, और इधर प्लस 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 प्लस, तो ये आर्सेनिक वाले चल रहे हैं, आर्सेनिक आयंस है, ये एल्यूमिनियम आयंस है, इमोबाइल्स, डिप्लीशन विड्थ ये चल रही है अनबायसिंग के टाइम पे, जिसमें हमने अभी बैटरी कनेक्ट नहीं करी है। अब मुझे इसकी रिवर्स बायसिंग करनी है तो क्या करूं, पी टाइप को किससे कनेक्ट करूं, पी को नेगेटिव एन से और एन को पी से, ये हो गया मेरा सिंबल, क्या रिवर्स बायसिंग। इसमें क्या करना है, बस मुझे यहीं पे चेंजेस लाने, बाकी सब कुछ ही हो गया, सब ये सिंपल, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस टर्मिनल्स ही तो एक्सचेंज करने, कर दिए। अब इसका मतलब है, अब मैं नॉब वापिस से उसी डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो एक्चुअल में कौन सा वोल्टेज बढ़ रहा होगा, जब मैं इधर घुमा रहा था ऐसे तो कौन सा वोल्टेज बढ़ रहा था, पॉजिटिव, अब ऐसे बढ़ाऊंगा तो कैसा बढ़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। उसी को हम बोल रहे हैं रिवर्स बायस वोल्टेज करना। तो हमने क्या कर रखा है, रिवर्स बायस की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, रिवर्स बायस के अंदर डिप्लीशन विड्थ एवरीवन इंक्रीजेस, अनबायस के कंपैरिजन में इंक्रीज हो चुकी होगी, रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस, ठीक है, कंडक्शन ऑफ करंट डिक्रीजेस एंड इवन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। क्यों, क्योंकि कंडक्शन, ये विड्थ जब इंक्रीज होगी तो ये डिफ्यूजन करंट इन द रिवर्स बायसिंग विल नॉट फ्लो, डिफ्यूजन करंट विल नॉट फ्लो, विच करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। सो इन रिवर्स बायसिंग ओनली द करंट विच कैन फ्लो विल बी द ड्रिफ्ट करंट एंड दैट वुड बी बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी चार्ज, डिफ्यूजन कैन नॉट टेक प्लेस,
only drifting would be taken place as we would be increasing more and more negative voltage. And that would also be depending on the doping concentration and how much width we are having. ठीक है? So देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जीरो वोल्ट ले लिया, अब मुझे किस में बढ़ाना है, नेगेटिव में. अब जब मैं नेगेटिव में बढ़ाऊंगा तो ये इधर हो गई, इधर हो गई, तो अब तो डिफ्यूजन पहले ही नहीं हो रहा था, अब और नहीं हुआ, तो इसका मतलब माइनस वन वोल्ट पे चला गया, नहीं हुआ, माइनस टू वोल्ट पे चला गया, डिफ्यूजन नहीं हुआ, जबकि विड्थ और इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होती जा रही है. तो हमने मान लिया कि साहब माइनस फोर वोल्ट तक की मैक्सिमम इंक्रीज हो सकती है, और अगर उससे ज्यादा आपने नेगेटिव किया तो क्या हो जाएगा, इसी दौरान माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर के दौरान डिप्लीशन विड्थ तो बढ़ती जा रही है, साइमल्टेनियसली एक फेनोमेनन और यहां पर अकर हो रहा है. व्हाट इज दैट? ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो 15 15 यहां पर है, एक ही 1 वोल्ट पे मानो एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो हमको जो इसमें अवेलेबल मिला वो कौन मिला, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन. होल तो अभी भी डिफ्यूजन वाले प्रोसेस के कारण फ्लो नहीं हो सकते, कौन फ्लो हो सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट के कारण. तो ये इलेक्ट्रॉन किसमें, पी रीजन में, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसमें एक बॉन्ड और ब्रेक हुआ तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल हुआ, ये होल इसके लिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये उधर जाएगा ड्रिफ्टिंग के कारण. तो अब यहां पर माइनस वन वोल्ट माइनस टू वोल्ट तक कुछ ब्रेकिंग नहीं हुई, मान लीजिए माइनस थ्री पे आकर के एक बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई, तो सिर्फ कितने चार्ज फ्लो पाए, एक एक चार्ज. फिर माइनस फोर पर दो 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 चार्ज. इसका मतलब हम यहां पर क्या कह रहे हैं, अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. इसका मतलब जैसे जैसे हम यहां पर ध्यान से समझिएगा बढ़ा रहे हैं वैल्यू, तो ऑलमोस्ट आप ऐसे भी मान सकते हैं, इनको ऊपर लिख देता हूं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये क्या चल रहा है, वोल्टेज शुरू के अंदर बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहा, फिर धीरे धीरे माइनॉरिटी चार्ज के कारण बढ़ा 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 बढ़ा, और हल्का हल्का जैसे जैसे अब बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं वहां से हल्का रीजन बढ़ता जा रहा है. अब अचानक से आपने क्या कर दिया, इसको और ज्यादा नेगेटिव कर दिया, माइनस फाइव पे ले गए, माइनस फाइव पे अचानक से वहां पे एकदम बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड, इतनी ज्यादा हीट मिल गई कि सारे के सारे बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड अचानक से ब्रेक हो गए. ब्रेक होते ही अचानक से इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज बहुत सारे इसमें और इसमें माइनॉरिटी चार्ज बहुत सारे इसमें क्रिएट हो गए. नो डाउट अभी भी कंसंट्रेशन मेजोरिटी की ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन आए तो 10 होल भी तो आए होंगे और 15 पहले से चल रहे हैं, तो 25 यहाँ पे कौन चल रहा है, होल्स, जबकि 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो ठीक ऐसे ही कंसंट्रेशन रहेगी ज्यादा, लेकिन इनका फ्लो अब ड्रिफ्ट करंट अचानक से बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ मोर ब्रेकिंग. उससे क्या हुआ, यहां माइनस फाइव वोल्ट पे आते ही अचानक से ये करंट बहुत तेजी से बढ़ गई एब्रप्टली, और अगर आपने इससे ज्यादा वोल्टेज दिया तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डैमेज, ठीक है, फूक जाएगा. अगर इन दोनों को मैं एक ही डायग्राम में कंबाइन कर दूं, अच्छा ये जो करंट जनरेट हो रही है ना, इस पर आई लिख रखा है, तो ये आई करंट, ये नेगेटिव में चल रही है, तो ये आई करंट जो चलती है वो किस में चलती है, माइक्रो एम्पियर, किस में चलती है, वो है मिली एम्पियर में, ये चल रही है माइक्रो एम्पियर में, ठीक है, और उसमें भी बहुत कम, 1 माइक्रो एम्पियर 2 माइक्रो एम्पियर 3 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, बहुत इसकी वैल्यू कम रहती है, बस यहाँ पे अचानक से बढ़ रही, तो बढ़ रही है लेकिन मिली एम्पियर के कंपेरिजन में तो बहुत ही नेग्लिजिबल है. तो ये चीज शो करती है ब्रेकडाउन रीजन. ये 5 वोल्ट पर ये जो रीजन आया इसको बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन रीजन. दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक जीनर ब्रेकडाउन और एक अवलांशी ब्रेकडाउन. जीनर एंड अवलांशी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे वापस आ रहा हूं. अब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो, और ऊपर की तरफ मैं मिली एम्पियर में करंट को इंक्रीज कर रहा हूं, नीचे माइक्रो में है, ऊपर मिली में, 10 20 30 40 50. तो यहां पर क्या ग्राफ बना दूंगा, ये इधर पे लिख दिया मैंने 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट,
यहां 0.7 तक बढ़ा बढ़ा और फिर इधर भी बहुत तेजी से ये इंक्रीज आ जाएगा। तो ये जो पूरा ग्राफ बन रहा है, ये जो पूरा ग्राफ बन रहा है, ये इस पूरे ग्राफ को बोलते हैं क्या, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। एंड द वोल्टेज द मैक्सिमम रिवर्स बायस और नेगेटिव वोल्टेज एट विच द ब्रेकडाउन रीजन और द करंट विल बिकम माइनॉरिटी चार्ज करंट विल बिकम एब्रप्टली माइनॉरिटी चार्ज करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली दैट रीजन इज नोन एज ब्रेकडाउन रीजन दैट नेगेटिव मैक्सिमम वोल्टेज एट विच द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट दैट इज ड्रिफ्ट करंट और रिवर्स बायस करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली दैट वोल्टेज इज नोन एज व्हाट ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड द रीजन इज कॉल्ड ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो यहां तक कितनों को अच्छे से समझ में आ गया साहब? सो यहां तक आई गेस सबको समझ में आ चुका है अच्छे से। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड बोलने का मतलब पीएन जंक्शन डायोड। सो जंक्शन डायोड और पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर्स। सो व्हाट आर रेक्टिफायर्स? रेक्टिफायर्स आर दोस सर्किट्स इन विच द एसी कंपोनेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू डीसी कंपोनेंट्स। एसी कंपोनेंट किस चीज के एसी कंपोनेंट? करंट के एसी कंपोनेंट्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? डीसी में। तो हम अगर इस जो सेमीकंडक्टर से आपने देखा ही होगा जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम घर में काम में लेते हैं, चाहे वो चार्जर हो, मोबाइल चार्जर हो, कुछ भी हो, वो घर के उस सॉकेट में लगाते हैं। ठीक है, तो वो सॉकेट कौन सी सप्लाई दे रहा है? एसी। तो एसी एक्चुअल में एसी मिल रही है, उस एसी को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? डीसी में। तो वो जो एसी कंपोनेंट चल रहे हैं इनको हमारा एम है कि हम डीसी में कन्वर्ट करें। डीसी में कन्वर्ट करने का मतलब है सभी के सभी पॉजिटिव ही रहे या सभी के सभी नेगेटिव रहे। डीसी में बोले तो डायरेक्ट करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना, ऐसे या तो ऐसे हो जाए सभी के सभी। तो इसको बोलते हैं डीसी कंपोनेंट हैविंग पल्सेटिंग सिग्नल्स। पल्स चल रही है तो ये खुद वैरी कर रहा है। वैरी किस में कर रहा है? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव में, नीचे कोई नेगेटिव में है ही नहीं। या फिर ऐसे हो जाए तो कहने का मतलब है या तो मैं इसको हटा दूं नीचे से। तो देखो ये जो डायग्राम मचा वो ये रहा, तो इसमें सिर्फ कौन से कंपोनेंट नजर आ रहे हैं? पॉजिटिव वाले, तो ये डीसी कंपोनेंट कहलाते हैं। या फिर वो नीचे वाले इनको किसी भी प्रोसेस के थ्रू ऐसे उल्टा कर दूं, जो नेगेटिव था उसको भी पॉजिटिव बना दूं, तो ये भी क्या बन गया? डीसी। तीनों के तीनों किसमें? ऐसे सर्किट, ऐसे डिवाइसेस जो ये काम करेंगे उनको बोलेंगे रेक्टिफायर्स। और वो रेक्टिफायर्स के लिए क्या यूज में आ रहा है? डायोड। डायोड की खासियत क्या क्या है आपको पता होनी चाहिए। फिर से अब यहां पे पूरी करेक्टरिस्टिक समझिए। तो हमने पीएन जंक्शन डायोड ऑलवेज एक्टिवेट ओनली एंड ओनली इन विच बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। पीएन जंक्शन में करंट कब फ्लो होगी? ये तो नेग्लिजिबल करंट है ना, माइक्रो एम्पियर में, इससे तो कुछ हो रहा ही नहीं है, कोई चीज इससे ऑन नहीं होगी। जो भी चीज ऑन होनी है वो किससे होनी है? मिली एम्पियर करंट से। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में कितना डिफरेंस है? 1000 times का डिफरेंस है ना। तो अगर किसी सर्किट को ऑन होने के लिए 5 mA चाहिए या 1 mA चाहिए या 10 mA चाहिए और आपको 5 μA मिल रही है, तो उससे कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स ओनली इन विच डायरेक्शन या विच बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। पीएन जंक्शन विल नॉट वर्क इन रिवर्स बायसिंग। तो क्या यहाँ पे एक कंक्लूजन बोल दें? पीएन जंक्शन डायोड आर द यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस। That means in which the current will flow only in one direction. So, PN junction diodes are also known as unidirectional devices. And this property will be utilized in rectifiers so that we can convert AC component into DC only in unidirectional component. That would be done in next class. ठीक है सर, कितनों को यहां तक समझ में आ गया सारी चीज़?